ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाके चेक करो 120 का डायल। ओके सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। हे वालेकुम सलाम मेरे दोस्त। क्या बात है? ये क्या मियां? नौकरी मांगने आए हो या छोकरी? अब यार इतनी दूर से मैं नौकरी मांगने आया हूँ भाई। छोकरियां हमारे गोवा में बहुत हैं। और वो सब हमारी दीवानी थी, याद है? जब हम गोवा में हुआ करते थे तो एक भी छोकरी आपको खास नहीं डालती थी। पता है गुरुदेव, पता है मुझे आप कितने बड़े जादूगर हैं। अब ये बताइए यहाँ कोई जादू चला है? बात की मेरी नौकरी की। क्या मैं आपको बेवकूफ दिखा देता हूँ जो इतने दूर से आपको बुला लूं और बात ही नहीं करूं? मुझे लगता है शेखर तुम्हारा मामला फिट होगा, लेकिन खाली तुम्हें उस मखीजा को पटाना है बस। ये मखीजा कौन है? अरे वही जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। और वो खुश कैसे होगा? वो खुश कैसे होगा ये तो मखीजा ही बताएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्या है भाई? सर मेरा दोस्त शेखर, नौकरी के लिए मैंने बात की थी। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो बैठो। अरे तुम यहाँ काय को बैठा है बाबा? तुम्हारे पास नौकरी है ना? नौकरी इसको चाहिए, मैं बात कर लूंगा। तुम जाके ड्यूटी करो भाई, काय को खाली पीली टाइम। हाँ चलो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। ये मेरा बायोडेटा। हाँ बाबा। MSc in mathematics, first class में, very good. State volleyball champion, हाँ शाबाश. Diploma in civil engineering, भाई वाह. very good भाई, वाह वाह वाह. भाई लगता है तुमने बहुत मेहनत की है, हाँ? जी वो पिताजी का सपना था कि मैं जिंदगी में सबसे आगे रहूँ. फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी. देखो भाई ये पोस्ट बहुत छोटी है और तुम्हारे पिताजी का सपना जो है ना बहुत बड़ा है, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। इस पोस्ट के लिए मेरे को ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, मुझे छोटी पोस्ट पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को दिक्कत है ना बाबा। देखो तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी पहले बड़ी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे के आता है, बाद में टाइम पास करने के लिए छोटी नौकरी के लिए मेरे पास आता है ना। नहीं सर, मैंने कहीं और एप्लीकेशन न दी है और न दूंगा। देखो बाबा, तुम्हारे से पहले दो लोग भी आए थे नौकरी करने के लिए, उन्होंने भी मेरे को यही बोला था, लेकिन जैसे ही उन्हें अच्छी नौकरी मिली ना, मेरी नौकरी को लात मार के चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा बेचारे माखीजा का क्या होगा। अभी तुम्हारे को लेके मैं तीसरा तजुर्बा नहीं करना चाहता। देखो तुम अपने पिताजी का सपना पूरा करो, उनका बहुत बड़ा सपना है। तुम मेहनत करो, बड़ी नौकरी ढूंढो, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सर जो उन दोनों ने किया उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ गलती तुम्हारी नहीं है, 100% तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारे पिताजी की है ना, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा। इस कुर्सी पर बैठकर आपको नौकरी ना देने का हक मिला है सर, मेरे पिताजी को गलत कहने का नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, जिस कुर्सी पर आज आप बैठे हैं वहां कल कोई और बैठा था और कल कोई और बैठेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। नौकरी नहीं मिली मगर क्यों? सारी गलतियां मेरी है, मैं घूस नहीं दे सकता, मेरी गलती है। मेरे पास कोई जोरदार सिफारिश नहीं है, मेरी गलती है। इतनी पढ़ाई की, हमेशा फर्स्ट आया, सब मेरी गलती है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। इतने दूर से बुला लिया और तुम्हें काम नहीं मिला? अरे यार, नौकरी मुझे नहीं मिली, अफसोस तुम्हें हो रहा है। कोई बात नहीं यार, तू जितना कर सकता था तूने किया ना, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। अब क्या करोगे? अब मैं डांस करूंगा। और तबला बजाएगा तू? यार प्लीज यार, कभी तो सीरियस हो जा करो शेखर, प्लीज। किसके लिए सीरियस हो जाऊं यार? जो मखीजा ने किया उसके लिए या नौकरी के लिए? शेखर जिंदगी के लिए। भाई मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैं जिंदगी में नाकाम हूं, जिंदगी से नाउम्मीद नहीं। अभी अपना लटका और मुंह जरा ठीक करो, स्माइल यार। कहां जाओगे? जहां ऊपर वाला ले जाए, मैं तो उसी का बंदर हूं, जैसे नचाएगा वैसे नाचूंगा।
नहीं सुधरोगे। पास में पैसे वैसे हैं कि नहीं? हाँ अभी तक तो है, नहीं होंगे तो मांग लूंगा, तू है ना। याद रखना शेखर, जब भी कोई भी जरूरत हो तो तुम्हारा ये दोस्त अली खान यहाँ मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाले ये क्या हुआ, मेरे सिवा तो सबका हुआ। ऊपर वाले ये क्या हुआ, मेरे सिवा तो सबका हुआ। सोचा भला न कभी मेरा, सोचा भला न कभी मेरा, ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा। ऊपर वाले ये क्या हुआ, मेरे सिवा तो सबका हुआ। मुझको दिए चुन चुन के गम और सबको दे दी खुशियाँ। फिर तेरा मुझको भी मंजिल पे जाना है। मुश्किल राह है, तुझ पे निगाहें, देख ले तो जरा। जब भी चला मैं कदम दो कदम, होता है मुझ पे नया एक सितम। बंदा नाड़ी तो खिलाड़ी, खेले है सब तेरा। क्या मांगा था क्या दिया, आखिर तूने वो ही किया। क्या मांगा था क्या दिया, आखिर तूने वो ही किया। सोचा भला न कभी मेरा, सोचा भला न कभी मेरा, ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा। ऊपर वाले ये क्या हुआ, मेरे सिवा तो सबका हुआ। मुझको दिए चुन चुन के गम और सबको दे दी खुशियाँ। कहाँ गए सबके सब? क्या चाचा, इस तरह पैसे खुले छोड़ देते हो? कोई चुरा लेता तो? बेटा जिन्हें चुराना होता है ना, वो आंखों के सामने से ही चुरा लेते हैं, और जिन्हें नहीं चुराना होता वो खुली दराज भी बंद कर देते हैं। ये दुनिया तुम जैसे अच्छे लोगों के दम पर ही टिकी हुई है बेटा। क्या चाहिए? पेट्रोल। पूरी टंकी भर दूं बेटा? नहीं, सिर्फ 500 रुपए का। कहां से आ रहे हो? जी गोवा से। पर जा कहां रहे हो? जहां काम मिल जाए। मतलब? मतलब चाचा नौकरी ढूंढने निकला हूं। नौकरी ढूंढने? कमाल है, लोग नौकरी ढूंढने शहर जाते हैं और तुम शहर से यहाँ आए हो। चाचा ऐसे कमाल ना हो तो जिंदगी बेमजा हो जाए। वैसे यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है? बस इतनी तनख्वाह हो कि मेरा खर्चा निकल जाए। यहाँ कहाँ काम बेटा, वैसे ये चीप अच्छी है तुम्हारी। पैसों की जरूरत है तो इसे भेज दो। नहीं चाचा, ये जीप मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे बेचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बचपन में जैसे मेरे पिताजी मुझे अपने कंधे पर उठाकर घूमते थे, वैसे ही मेरा बोझ अब ये जीप उठाती है। मेरा घर बार सब कुछ यही है। काफी जज्बाती लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? शेखर कपूर। बेटा शेखर जी, एक काम करो,
तुम महाबलेश्वर चले जाओ, वहां एक बार है लैला का बार, शायद वहां तुम्हें नौकरी मिल जाए। बार में नौकरी? वो कोई मामूली बार नहीं है, बहुत मशहूर बार है। कितने परेशान लोगों की किस्मत बदल चुका है, शायद तुम्हारी बदल दे। क्या नाम बताया आपने? लैला का बार। अब चुप रहो तुम। प्रताप, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। शेखर, गोवा से। वेलकम मिस्टर शेखर। थैंक यू। काफी इंतजार करवाया तुमने। जी जी हाँ, ये 1,00,000 एडवांस, बाकी 1,00,000 काम हो जाने के बाद। लेकिन काम क्या है? सुनाली, मेरी भतीजी, जिसे मारने के लिए मैंने तुम्हें गोवा से बुलवाया है। ये मैं कहां फंस गया? हां बोलूं तो मुश्किल, ना बोलूं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये है मेन डोर की चाबी। दरवाजा खोलो, अंदर घुसो और जैसा चाहो मार दो। द चॉइस इज ऑल योर्स। क्या सोच रहे हो? तरकीब बच निकलने की। तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी यहां की पुलिस कुछ ज्यादा चुस्त नहीं। सुनाली को मारने के बाद घर का थोड़ा सा सामान उलट पलट कर देना, और थोड़े से मेरा मतलब है थोड़ा, ज्यादा नहीं। बाद में से मुझे ही सर करना पड़ेगा। पुलिस समझेगी कि कोई चोर चोरी के इरादे से घर के अंदर घुसा, उसकी सुनाली के साथ हाथापाई हुई और उसने सुनाली को मार दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। 2-4 हफ्ते के दूर हाथ पैमाने के बाद जब उन्हें कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिलेगा, वो केस बंद कर देगी। इस वक्त तुम्हारी भतीजी कहां होगी? तुम्हारा नाम सोनाली है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा नाम सोनाली है और तुम किसी प्रताप सिंह को जानती हो?
हाँ, वो मेरे अंकल हैं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंकल तुम्हें मरवाना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बकवास कर रहे हो तुम। काश मैं बकवास कर रहा होता सोनाली, मगर सच यही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कमाल है, सच्चाई साबित करने के लिए भी सबूत की जरूरत पड़ेगी क्या? ये हैं वो पैसे जो तुम्हारे अंकल ने मुझे दिए थे तुम्हें मारने के लिए, और ये है इस घर की चाबी, वरना मैं अंदर कैसे आता? ये भी तुम्हारे अंकल ने ही दी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही अंकल मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अगर सब कुछ हमारा सोचा हुआ ही हो जाए तो भगवान को कौन मानेगा? लेकिन सोनाली, तुम्हारे अंकल तुम्हें मरवाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं। उन्होंने तो पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, समझ में नहीं आता किसका यकीन करूं। मेरा फर्ज था तुम्हें सच बताना, सो मैंने पूरा कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं जा रहा हूं यहां से। गुड लक। सुनो, ये पैसे तुम रख लो। ये सब मैंने इन पैसों के लिए नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मेरे दिल ने कहा। मैं भी तो वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। लेकिन सोनाली, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे एहसान की कीमत चुका रही हूँ। प्लीज रख लो, मना मत करना। देखो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। ओके। शेखर बेटा, कोई काम वाम मिला? हाँ चाचा, काम मिला मुझे। चलो अच्छा हुआ। अब ये बताओ कितना पेट्रोल भर दूँ? फुल कर दो आज। यानी पैसे भी मिल गए? मिल गए चाचा। चाचा, आप क्या डाक टिकट भी बेचते हैं? हाँ, आसपास के गांव वालों के लिए यही पोस्ट ऑफिस है। ओके, मुझे एक इनलैंड दीजिए ना प्लीज। अच्छा बेटा। कुछ ही घंटों के बाद खबर आएगी कि तुम्हारी प्यारी भतीजी सोनाली को किसी ने मार दिया है। लैला, ये कुछ घंटे भी बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। लेकिन तुम उसे मरवाना क्यों चाहते हो? मनी मनी मनी, आने वाले कल के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐश की जिंदगी गुजार सकूं। सर, मैं लैलाबाद में प्रताप नाम के एक आदमी को मिला जो अपनी भतीजी सोनाली का मर्डर करवाना चाहता है। इस काम के लिए उसने गोवा से किसी किलर को बुलवाया है। इससे पहले कि उस मासूम लड़की की जान जाए, आप फौरन कार्रवाई कीजिए। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज इसे मजाक मत समझिएगा। थैंक यू महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन। चाचा, आप ये चिट्ठी प्लीज पोस्ट करवा देंगे? ठीक है बेटा। थैंक यू, चलता हूं मैं। अच्छा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? वो अभी तक जिंदा है। शेखर को मौका नहीं मिला होगा? सोनाली घर में अकेली रहती है, गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। Bye. Oh, I'm really sorry. I'm very sorry. कबूतर, ऊपर वाला भी कैसे कैसे नमूने बनाता है।
बाबू जी जरा धीरे चलो। चाचा क्या क्या है? मटन बिरयानी, मटन मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, आलू पालक। बस बस बस, खाने में नहीं, पीने में क्या है? ब्लैक लेवल है, आरसी है, मैकडोवल है, ओल्ड मॉन्क है। ओल्ड मॉन्क एक बोतल जी। अच्छा चाचा जी, ब्लैक लेवल एक बोतल। ओके सर, थैंक यू। दीवाना दिल उड़ा जा रहा है, लो अब जिंदगी का मजा आ रहा है। माला माला मेरे माला, माला 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 मेरे मौलावा, माला माला मेरे माला, माला 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 मेरे मौलावा। मौला जुगाड़ मेरा फिट हो गया, आज मेरा मामला हिट हो गया। ओ माला माला मेरे माला, माला 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 मेरे मौलावा, माला माला मेरे माला, माला 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 मेरे मौलावा। मौला जुगाड़ मेरा फिट हो गया, आज मेरा मामला हिट हो गया। जुगाड़ मेरा फिट हो गया, आज मेरा मामला हिट हो गया। मर गया रे। घबराओ मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आता हूँ। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. नर्स प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, प्लीज जल्दी, इनका एक्सीडेंट हो गया है।
क्या हुआ? डॉक्टर साहब इनकी हालत बहुत खराब है, प्लीज कुछ करिए आप। इनको जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले चलो। नर्स अब कैसा है वो? डॉक्टर को मालूम। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जी गाड़ी पार्क करने, वो बीच रास्ते में खड़ी है ना। अब कैसा है वो? एक्सीडेंट, इसी की गाड़ी से हुआ क्या? इंस्पेक्टर समीर, एक मिनट आप मेरे साथ आइए। जी हाँ जी, बोलिए। गाड़ी पार्क करने जा रहे थे? जी सर। लो मुझे दे दो, मैं पार्क कर देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं कर दूंगा ना। अरे एक ही बात है, चाबी गाड़ी में है? नहीं सर, मेरे पास है। दो। हेलो जी, ओके, इंस्पेक्टर समीर। यस। एसपी साहब का फोन था, उन्होंने कहा वो अभी पहुंच रहे हैं। क्या? तूने बुलाया ना एसपी को फोन करके? मैं क्यों बुलाऊं सर? अबे तो उसे पता कैसे चला कि हम लोग अस्पताल में हैं? अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं साहब? कुत्ते की नाक है, सूंघता हुआ पहुंच जाता है कहीं भी। अभी आएगा, इंक्वायरी शुरू कर देगा और हम लोग उल्लू की तरह सलाम ठोक के खड़े हो जाएंगे। सर मैं जानता हूं आप उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करे साहब, सीनियर है हमारे। अरे ऐसे सीनियर की तो मां की। क्या रे, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी। देखा, दारू पिया क्या तू? जी सर। चलो बता, तू उस आदमी को क्यों मारना चाहता था? मैं क्यों मारना चाहूंगा सर, वो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गया। ऐसा? मतलब कि खुद को गोली मारकर वो तेरी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया था? उसे गोली लगी थी? फिर? सर मैं समझ रहा था मेरी गाड़ी से टकरा के जख्मी हुआ है सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, उसमें मेरा। झूठ बोल रहा है तू। सच तो यह है कि नशे की हालत में तू अपनी गाड़ी को संभाल नहीं सका, तूने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, इस बात पर तुम दोनों का झगड़ा हुआ और गुस्से में तूने उसे गोली मार दी। रॉन्ग सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके क्यों आता? ड्राइविंग लाइसेंस है यह? शेखर कपूर फ्रॉम गोवा। इसका कहना है कि यह यहां नौकरी की तलाश में आया था सर। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो सर। उस आदमी का क्या हाल है? डॉक्टर बोलता है बेटर है, वो बच जाएगा। उसकी कंडीशन के बारे में मुझे रिपोर्ट करते रहो। जी। मिस्टर शेखर कपूर, जब तक वो आदमी गवाही देने के लायक नहीं हो जाता, तुम हमारी हिरासत में रहोगे। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ बात करनी है। सर मुझे नहीं लगता कि इस आदमी ने गोली मारी है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर कोई भी आदमी किसी को गोली मारने के बाद जख्मी को अस्पताल तो लेकर नहीं आएगा, ये आदमी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। समीर यादव, अच्छा होगा कि तुम फैसला करने का काम अदालत पर छोड़ दो। और वही करो जो तुम्हारा काम है, और इस वक्त तुम्हारा काम है सबूत और गवाह इकट्ठा करना, इसलिए तुम वही करो। क्योंकि फिलहाल मेरे लिए सबूत, गवाह और मुजरिम सब यही है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता।
ओके। तुम और कुलकर्णी इसकी जीप लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, इसे मैं लेकर आता हूं। मुझे साफ साफ बताएगा कि यह सारा चक्कर क्या है। सर, मुझे लगा आपको अपने ऑफिस में एक आदमी की जरूरत है और मैं सिर्फ काम मांगने आया था सर। अबे मजाक कर रहा है मेरे साथ? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। मैं तब क्यों नहीं बोला जब मैंने तुझे अपना काम बताया? सर मैं डर गया था, मैं यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, पर वो आदमी अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अब मैं उसे सड़क पर कैसे छोड़ देता मरने के लिए? तू जानता है उसे? नहीं सर, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो सर, मैं चुपचाप यहां से दूर चला जाऊंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। इस शहर में आप मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। जायदा पुत्र, गवर्नमेंट की सड़क को अपने घर का बेडरूम समझकर लेटा हुआ है। ओए वाहे गुरु, तुसी भी किस तरह के बंदे बनाते हो। ओए अच्छा हुआ मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक्स कल ही बनाए, वरना स्टिकर की तरह तुसी रस्ते दे विच चिपक जाते हैं। और तुम्हारा भेजा, ओए मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ओए सच सच बता, चक्कर क्या है? पहले तो तुसी रस्ते पर सोए पड़े थे, फिर कोई तुझ पर गोलियां चला रहा था। अरे भाई कौन है वो जो तुझे परमानेंटली सुला देना चाहता है? देख, नॉन स्टॉप मेल ट्रेन की माफिक बोलना शुरू कर दे, और मुझे कहानी नहीं, सच और सिर्फ सच चाहिए, वरना अंदर कर दूंगा। अंदर कर दूंगा? सीबीआई का बंदा हूं। चल शुरू हो जा। कुलकर्णी जी, ये लड़का मेरे को सच्चा लगता है। मेरे को भी सर, यदि उस लड़के को मारना चाहता तो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं आता सर। वो ही तो। लेकिन एसपी साहब, उस लड़के को लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? अबे सवाल ये नहीं है रे,
सवाल यह है कि वो उसको लेकर गया क्यों? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती है सर। अगर यश पिसाब को उस लड़के पर जरा सा भी शक था तो उस लड़के को थाने में लाकर उसे पूछताछ करते। हॉस्पिटल से थाना 10 मिनट की दूरी पर है और हॉस्पिटल से निकले यश पिसाब को 1 घंटा हो चुका है। इस आदमी का कैरेक्टर अपनी समझ में नहीं आता यार। वो साला लैला की बार में उसका उठना बैठना, लैला के साथ उसका संबंध, कुछ गड़बड़ है रे। बहुत गड़बड़ है साहब, बहुत गड़बड़ है। अच्छा तो ये पुलिस वाले समझते हैं कि वर्दी पहनकर ये कुछ भी कर सकते हैं? ओए तू फिकर ना कर, तू मेरे साथ चल और बता मुझे प्रताप कौन है। तीनों मिलकर फटे चक देंगे। सर हम तीनों कौन? ओए तू मैं और राम प्यारी। सर आप जैसे 10 पुलिस ऑफिसर अगर इस फोर्स में हो ना तो प्रताप जैसे लोग कानून की आड़ में रहकर गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ओए 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 तारीफ करना बंद कर और छिति मैनू लैला के बाल ले चल। चलिए सर चलिए। सलाम साहब। क्या हुआ सर? फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। लेकिन ये ऐसी हालत कैसे हो गई सर? तुझे बेटे को कहा था? सॉरी सर। अब FIR लिख कि शेखर कपूर नाम का मुजरिम पुलिस हिरासत से फरार है। फरार? मगर कैसे? मुझे चोट पहुंचाकर। लेकिन उसके हाथ में तो हथकड़ी थी ना? हथकड़ी उसने खोल दी बगैर चाबी के। सवाल बंद कर और जो कह रहा हूं FIR में लिख, समझा? और देख रहा हूं इंस्पेक्टर समीर, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कानूनी बातें कर रहे हो। डिसिप्लिन में रहो वरना जिंदगी भर इंस्पेक्टर ही रहोगे। अब ये बताओ शेखर की गाड़ी में से क्या क्या बरामद हुआ है? देख लूंगा तुझे। FIR लिखना मत भूलना। राइट सर। साहेब तुमची बॉटल तो गेली। जानता हूं रे, फोकट का खाने की आदत जो पड़ गई है हरामी को। सर यही वो जगह है। चलो सर राम प्यारी तो ले लीजिए। ओ थैंक यू। कम लैला। ये प्रताप की साथी है और इस बार की मालकिन। बड़ी सोनी कुड़ी है भाई। देखिए ना, देख कैसे रही है। अब ये प्रताप को फोन करेगी और प्रताप दौड़ा दौड़ा आएगा और फंस जाएगा। प्रताप वो वापस आ गया है। कौन? जिसे हमने सोनाली को मारने का काम सौंपा था और उसके साथ एक आदमी भी है। आदमी को छोड़ो और उस हरामी को रोक के रखो। जाने ना पाए मैं भी आ रहा हूं। सर यही प्रताप है। प्रताप जी आप बहुत बड़े इडियट, कम अकल और गधे भी हैं। ना ना पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ये है
शेखर कपूर, MSc with Maths, और मैं हूं शेखर अंबसरी, CBI, क्रिमिनल बाय इंस्पिरेशन। उतर बैठ जा, वरना राम प्यारी का गाना सुनना पड़ जाएगा। अरे कमाल करते हैं आप भी प्रताप साहब, किसी को भी शूटर समझ लेते, जानते हो? अरे अगर इसने सोनाली को मार दिया होता तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता, पर ये रब्दा नेक बंदा है। अब सुनो, मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा, इसे भी खत्म कर दो। 2 लाख तो मैं कुड़ियों को मारने का लेता हूं, कम सिंसी नाजुक सी, जरा सा टेटवा दबाया के खेल खत्म। ये तो 6 फुटा गबरू जवान है, कितना दौड़ाया आपको? इसे मारने के मैं 4 लाख रुपए लूंगा, मतलब टोटल 6 लाख। मंजूर है। दोस्तों भाइयों, आज हमारे SP श्री प्रताप सिंह का जन्मदिन है, इन्होंने फैसला किया है कि आज की शाम आप सबके साथ मनाएंगे, आपके खाने पीने का बिल भी यही देंगे। आप सब इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिएगा। सुनो, तुम उस तरफ देखो, मैं यहां देखता हूं। आती कि आप घड़ी क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि मेरी बीवी घंटाघर है, एक एक मिनट का हिसाब रखती है। लाहौल बिला खुब्बत। अरे अल्लाह बिल्ला मर्द बनो यार, मजा ले कि बीवी कुछ बोल जाए, चाचा पीपी पै पै कुछ कर जाए। देखो औरतों की गुलामी अच्छी बात नहीं है, एक बार बीवी बोली थी, कान खींच के खरगोश की तरह लंबे कर दिए थे, तब से बीवी सिर्फ सुनती है, बोलती नहीं है। आपकी तो बात ही कुछ और है बन्ने मियां। अरे लल्लन टॉप बनो मियां, लल्लन टॉप। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ऐ लारे ऐ लारे। कहां साला? बड़ा समझदार बंदा है, इसे मारने में मजा आएगा। मैं छुपा हुआ था। अच्छा, इसका मतलब पुलिस से बच के भाग रहे हो? नहीं, मैं अपनी बीवी से बच के भाग रहा हूं। क्यों? अपनी बीवी से छिप कर लैला के बार में शराब पी रहा था, मुझे ढूंढती हुई वहां भी पहुंच गई। लाहौल बिलाखुब्बत यार, इतने बड़े होके अपनी बीवी से डरते हो, लानत है दोस्त। आप जानते नहीं मेरी बीवी कितनी खतरनाक है, वरना आप इस तरह लानत ना भेजते। पकड़ लेती ना मुझे तो मेरी जान ले लेती। तो मियां अब कैसे जान बचाओगे? आप बचाएंगे ना? देखिए पास में मेरा घर है, उसके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचा दीजिए, मेरी जान बच जाएगी।
प्लीज आप बचाएंगे ना? माँ मियाँ आ जाओ नीचे। शुक्रिया दोस्त। अगर सच पूछो तो एक बात बताऊं? क्या? मेरी भी अपनी बेगम से फटती है। दोस्त ये बात किसी को बताना नहीं, वरना पन्ने मियाँ की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि पन्ने मियाँ है लल्लन टॉप। अरे ना ना, डर मत, तू जितनी ज्यादा डरती जाएगी तेरी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाएगी। कौन हो तुम? ओए कितनी प्यारी कुड़ी है तू, पता नहीं तेरे अंकल ने तुझे मारने का फैसला किस दिल से किया होगा, वो भी मेरे हाथों। अजी साड़ी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं। शेखर अंबरसरी का असूल है कि मारने से पहले जवान को सांस लेने का एक मौका, बूढ़े को 5 मिनट की जिंदगी, और तेरे जैसे खूबसूरत लड़की के साथ गेम ब्रेक। फड़बड़ा मत, जा उड़ जा। क्या? इसे अपनी जबान में कहते हैं खिलवाड़। गेम शुरू होने से पहले हो जाए थोड़ा वार्म अप। सोनाली, हाँ? यहाँ से चले हैं अभी? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये सब बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या
थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा अब ये बताइए, सबसे पास वाला गांव कितनी दूर है? 65 किलोमीटर। पुलिस चौकी तो होगी ना वहाँ? हाँ, मगर पुलिस से तुम्हें क्या काम? अब इससे पहले कि मेरी मुश्किलें और बढ़ें, मैं पुलिस को सब कुछ बताकर इन मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मगर पुलिस तुम्हारा यकीन क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अंकल इस इलाके के SP हैं, वो उनकी बात पे यकीन करेंगे, तुम्हारी नहीं। जितनी जल्दी हो सके उनकी पहुँच से दूर निकल चलो। ये गन किस लिए? ये गन उसको मारने के लिए जिसने मेरी भतीजी को मारा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम कुछ समझती नहीं हो, इसलिए सवाल बहुत है तुम्हारे पास। चाहता तो मैं भी सोनाली को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सबसे पहले शक मुझ पर होता। मैं एक तीर से दो शिकार कर रहा हूं, सोनाली को भी मरवा रहा हूं और अपने आप को कानून की पकड़ से भी बचा रहा हूं। सोनाली कहाँ है? मैंने पूछा सोनाली कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना? थक गया हूँ, नींद आ गई। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो, गाड़ी मैं चलाती हूँ। पुलिस पुलिस पुलिस, गाड़ी रोको। आजकल के छोकरे लोग तो कहीं भी चालू हो जाते हैं। चलो गए। ये तो बहुत गहरा जख्म है, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। पर हम जाएं कहां? हम तो अस्पताल भी नहीं जा सकते। है एक जगह है, मेरे दोस्त अली के पास। आओ। शेखर, क्या हुआ तुम्हें? अंदर चले। इन्हें गोली लगी है। गोली? कैसे? ये सब सवाल बाद में, पहले इनके इलाज का इंतजाम कीजिए प्लीज। तुम घबरा मत शेखर, मैं हूं ना। कम संभाल, आराम से। शेखर, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर नहीं, शेखर का इलाज हमें खुद ही करना होगा। मगर क्यों? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए प्लीज। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गोली छूकर निकल गई। जरा डिटॉल देना।
हेलो इंस्पेक्टर जाधव, मैं एसपी प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। यस सर। मेरे इलाके से एक गाड़ी चोरी हो गई है जिसका नंबर है MH02-4156। इस गाड़ी में दो लोग सवार हैं, एक लड़का और एक लड़की। जैसे ही उस गाड़ी या उन दोनों के बारे में कोई भी खबर पता चले तो फौरन मेरे मोबाइल पे मुझे इन्फॉर्म करो। मेरा नंबर है 9820054012। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। क्या? ये सब कैसे हुआ? मेरी वजह से। शेखर की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। तुम पास होना तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए और मैं ऐसा ही बैठा रहूं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। बहुत प्यार करते हो मुझसे? बहुत से भी ज्यादा। इतना ज्यादा कि बहुत भी कम लगता है। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए वापस मेरे पास आए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना? अपनी जान ही तो बचाने आया था मैं, क्योंकि पहली ही मुलाकात से तुम मेरी जान बन गई हो। और अपनी इस जान को बचाने के लिए कोई भी हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। शेखर, मरने की बात मत करो। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है भी कौन? वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा रहा। Thank you.
जो चलने लगे तेरी जुल्फों के साए में मैं सो गया। जुड़ गया नाम मेरा तेरे नाम से, जुड़ गया नाम मेरा तेरे नाम से। जिंदगी में जोड़ दूं तेरे नाम से, जिंदगी में जोड़ दूं तेरे नाम से। क्या सोच रही हो सोनाली? सोच रही हूं कि पैसों के लिए आदमी कितना बदल जाता है। शेखर, मैं प्रताप को कभी माफ नहीं कर सकती। कितना यकीन था मुझे उस पर। भूल जाना वो सब। नहीं भूल सकती। उसने मेरे साथ धोखा किया है। अंकल हो के मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मेरे डैडी की जायदाद का ऐसा आदमी मालिक बने मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। सोनाली, तो क्या करोगी तुम? वापस जाऊंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी वाले पेपर्स वापस लेने। पागल हो गई हो? तुम्हारे अंकल तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। देखो सोनाली, जिंदगी रही तो जमीन जायदाद सब बन जाएगा। जिंदगी रही तो तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब दौलत के लालच में कर रही हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जी लूंगी। मगर प्रताप अंकल को भी इस दौलत पर ऐश नहीं करने दूंगी। शेखर, मैं सब कुछ दान कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ यहां से दूर चली जाऊंगी। मगर सोनाली, जान का खतरा है, तुम समझ। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो कि मैं अकेली जाऊं। सुनो, गाड़ी तुम चलाओगी या मैं? अरे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? सोनाली, अब ये जिंदगी मेरी या तुम्हारी नहीं, हमारी है। Love you. अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। मोटरसाइकिल की टैंक फुल हो चुकी है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस तू बैठ, आजा। अली, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके रिपोर्ट करो कि तुमने एक लावारिस जीप देखी है। शेखर, मगर अबे अगर मगर बाद में, पहले फोन कर यार। ओके। हेलो जी। दो दिनों से तालाब के पीछे वाले मैदान में एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी नंबर? गाड़ी का नंबर पूछ रहा है। MHO24156। सर, MHO24156। MHO24156। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अली खान बोल रहा हूं। मैदान के करीब में ही मेरा घर है। ओके। अपना नाम बताने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई, सही इंफॉर्मेशन दे रहा था तो अपनी पहचान क्यों छुपाऊं? लेकिन शेखर, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस को यह इंफॉर्मेशन देकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? देख, प्रताप ने गाड़ी के गायब होने की खबर यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी दी होगी। अब जैसे ही उसे गाड़ी मिलने की खबर मिलेगी, वो फौरन यहाँ चलाएगा, और जब तक वो महाबलेश्वर वापस पहुंचेगा, हम लोग पारो फटाने वाले पेपर्स हासिल कर चुके होंगे। अरे वाह उस्ताद। वेरी गुड जादव। अब तुम एक काम करो, उस गाड़ी को वहीं पर रहने दो और वहां आसपास के लोगों से पता लगाओ कि उस गाड़ी में सवार लड़का लड़की को किसी ने देखा है या नहीं। ओके सर। वैसे तुमको गाड़ी का पता कैसे चला? अली खान नाम के आदमी ने मुझे इन्फॉर्म किया सर। ठीक है, अब तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। जी सर। गुड, गाड़ी तो मिल गई लेकिन उन दोनों का पता नहीं चला। ओए, उन दोनों का पता भी चल जाएगा? जिस इलाके में गाड़ी है वो दोनों वही होंगे। तो उसे फिक्र ना करो, अभी तुम्हारी नहीं साड़ी प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ वो 6 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लो। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ए, थैंक यू बोलकर यार की आ रही को गाली मत देना। हाँ। सुनो, जल्दी से अपना काम खत्म करके भाभी को वापस लेके आओ। ओके भाभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इधर कहाँ जा रहे हो? देखो जानू, हमें निकले हुए काफी देर हो गई है और महाबलेश्वर आने जाने का यही एक रास्ता है। इसका मतलब अंकल कभी भी रास्ते में मिल सकते हैं। यस, और इसीलिए हमें यहाँ छिप कर प्रताप के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। शेखर, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरा क्या होता? वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि ऊपर वाला तुम्हें मुझसे मिलाना चाहता था और इसीलिए उसने मुझे गोवा से यहां तक नौकरी के बहाने से भेजा। सब उसी का खेल है। अब क्या करें शेखर, अंकल खुद नहीं आए, इसे भेज दिया। तो क्या हुआ जान, हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। लेकिन प्रताप के होते हुए ऑफिस में घुसना रिस्की है। देखो, अब ये रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप? असी सीबीआई दे बंदे हैं। शेखर अंबरसरी नाम है मेरा। उस गाड़ी के बारे में आपने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी? जी हाँ। उस गाड़ी में दो बंदे थे, आपको पता है वो कहाँ है? अजी मैं पूछ रहा हूँ, उस गाड़ी में जो दो बंदे थे आपको पता है वो कहाँ है? पता है। तो फिर अच्छे बच्चे की तरह जल्दी बताना शुरू कीजिए। नहीं बताऊंगा। असी सीबीआई यानी क्रिमिनल बाय इंस्पिरेशन, और ये मेरी राम प्यारी। जल्दी बोलना शुरू कीजिए वरना ये बोलना शुरू कर देगी। नहीं बताऊंगा तो क्या करेगा तू मेरा? मार दूंगा। मार दे। पठान दोस्ती में गद्दारी नहीं, कुर्बानी देता है। ठीक है, दे दे कुर्बानी। अल्लाह। इंस्पेक्टर समीर, यह हमें उस आदमी के पर्स में मिला है। करना है जल्दी करो सोनाली। ओके। सेफ नहीं खुल रहा है। नंबर तो ठीक से याद है ना? हाँ। मैं ट्राई करूं? या। नंबर्स क्या है? राइट 24, लेफ्ट 16, राइट 9। पेपर्स शेखर, पेपर्स। देखो कोई स्टैम्प पेपर है? सोनाली अंकल आ गए तुम्हारे। अब क्या करें? पेपर्स मिले कि नहीं? नहीं। लगता है कहीं और रखे होंगे। फटाफट पहले ये सब सामान रख देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुर्सी। इस कमरे में कोई आया था? नहीं तो। लैला, इस कमरे में कोई आया था? ये कुर्सी देखो, किसी ने मेरी कुर्सी के साथ छेड़खानी की है। तुम यहां से कब गई?
10 मिनट पहले? 10 मिनट? अगर तुम 10 मिनट पहले यहाँ से गई तो जो भी इस कमरे में आया था यहाँ से जा नहीं पाया। कैसे आना हुआ? सुबह सवेरे जब पुलिस किसी के पास आए तो खबर यकीनन अच्छी नहीं होगी। वो आदमी बयान दिए बगैर मर गया? वो तो जिंदा है और बयान दिए बगैर मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। क्यों? अचानक तुम्हें उसके बयान में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी इंस्पेक्टर? क्योंकि उसके बयान से मेरी एक बरसों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली है ना। कौन सी तमन्ना इंस्पेक्टर? तुझे जेल भेजने की। इंस्पेक्टर समीर, चिल्ला मत प्रताप सिंह उर्फ सुशील कुमार शर्मा। कौन सुशील कुमार? वही सुशील कुमार जो आज से 2 साल पहले आसाम के चाय बागान के मजदूरों का 10 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गया था। अभी बताता हूं तुझे। ये देख। ये तू है ना, और ये है तेरी लाडली प्यारी भतीजी जिसका कत्ल करके तू इसके हिस्से के भी 5 करोड़ हथियाना चाहता है। इंस्पेक्टर समीर, शट अप! मैंने तेरे काम करने के तरीके को कभी पसंद नहीं किया। इस बार वाली से तेरा रिश्ता, और जूनियर्स के साथ दादागिरी करता था ना तू? तू कभी पुलिस अफसर लगा ही नहीं रहे, हमेशा क्रिमिनल लगा, एक वर्दी वाला क्रिमिनल। कुलकर्णी। यस सर। जरा साहब को वो लेटर भी दिखाओ जो आज सुबह मुझे डाक में मिला। जी सर। इसमें भी वही लिखा है रे कि तूने अपनी भतीजी को मरवाने के लिए गोवा से किसी किलर को बुलवाया। प्रताप सिंह, मैं तुझे तेरी भतीजी सोनाली और रोशनी का मर्डर प्लान करने और 10 करोड़ का गबन करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, बहुत पछताएगा। अबे पछताने की बारी हमारी नहीं, तेरी है। कम से कम 14 साल की तो लगवाऊंगा तुझे। कुलकर्णी, ले चलो। चल साला भूतपूर्व ESP साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस रोशनी। तो ये सारा चक्कर इन 10 करोड़ रुपयों का है जो आपके डैडी के नहीं उन गरीब मजदूरों के हैं जिन्हें आपने और आपके अंकल ने मिलकर धोखा दिया। नहीं शेखर, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। बिलीव मी शेखर, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं किसी स्कैम में वॉन्टेड हूँ और CBI मुझे ढूंढ रही है। अभी तुम्हारे साथ ये न्यूज़पेपर कटिंग देखा तो मुझे पता चला। शेखर, अंकल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, फंसवा दिया है मुझे। अगर सब कुछ तुम्हारे अंकल ने ही किया है तो पुलिस ने तुम्हारा फोटो क्यों छापा है? शायद इसलिए क्योंकि मैं भी अंकल के साथ थी। 2 साल पहले हम आसाम में छुट्टियां मनाने गए थे। मुझे क्या पता था कि अंकल छुट्टियों के बहाने ये खेल खेल रहे हैं, गरीब मजदूरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। शेखर,
मेरे पापा मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ गए हैं कि मैं जिंदगी भर आराम से जी सकती हूँ, तो फिर मैं इन गरीब मजदूरों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपनी दौलत का मालिक भी अपने अंकल को बना दिया है। मुझसे तो अपने पापा की छोड़ी हुई दौलत ही नहीं संभलती, तो मैं 10 करोड़ और लेकर क्या करूंगी? अब क्या होगा शेखर? अंकल के किए की सजा मुझे भी मिलेगी, पुलिस मुझे जेल में डाल देगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी शेखर। घबराओ मत सोनाली, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आई लव यू। साइड में आ जा रहे शेखर। एकी, ओए सोने हो, एक कुड़ी तो बिल्कुल तेरे जैसी लगती है। ओए, ओए ये तो तू है यार, ओए तू यहाँ क्या कर रही है? ओए देख, अब अगर मैं तुझे और इस मुंडे नु मार दूं, तो प्रताप मुझे पूरे 6 लाख रुपए देगा। बट अगर मैं तेरा और तेरे चाचा का पता पुलिस को बता दूं, तो सरकार मुझे पूरे 10 लाख रुपए देगी, यानी के सीधे 4 लाख रुपए का मुनाफा। तू एक काम कर, तू मेरी पार्टनर बन जा, मैं प्रताप को मार दूंगा। 5-5 करोड़, 50-50। बता दे पैसे कहाँ? मुझे नहीं पता। ओ बेबे, क्यों तरस खा रही अपने चाचा पर? पड़कती आदमी है वो, इन्हीं पैसों की वजह से वो तुझे मारना चाहता था। देख तू मुझे रुपए का बता दे, मैं तुझे जिंदगी दे दूंगा, फिर तू आराम दे नाल इस मुंडे के साथ जिंदगी गुजारना। चल जल्दी बता। मुझे नहीं पता। अरे बता ना। नहीं पता, अगर पता होता तो तो मैं बता देती। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? ओए मजदूर की खबर तो लैला के पास होगी, लैला को पता है पैसे कहाँ हैं? ओए लैला, मैं आ रही हूँ। ओए सोड़ियो, अजी तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, तुम इतने पानी में आग लगा रही हो। तो तुम भी इस आग में कूद जाओ। ओए तुसी कह रहे हो तो व्हाई नॉट। पता है इसी वजह से तो प्रताप को पुलिस ले गई। ओए प्रताप को पुलिस ले गई? हाँ। अच्छा सोनी एक बात बता, तुझे तो पता होगा कि प्रताप ने रुपये कहाँ छुपाए हैं? नहीं, प्रताप के पास इतने सारे रुपए हैं ये मुझे तब पता चला जब प्रताप को पुलिस अरेस्ट करने आई थी। लेकिन अब तुम आ गए हो, हम दोनों मिलके पता लगा लेंगे कि प्रताप ने रुपए कहाँ छुपाए हैं। ओए बड़ा चलाक और मक्कार इंसान है, किसी को नहीं बताया कि रुपए कहाँ छुपाए हैं। अव्वल नंबर का है प्रताप, वो तो तुम्हें भी मार देना चाहता था। उस दिन अगर तुमने सोनाली को मार दिया होता तो तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाता। ओए अंधेर नगरी में चलता है, खाता पैसा है इतना गिना नहीं जाता। आखिरी बार पूछ रहा हूं,
रुपये कहाँ है? तुम हजार बार भी पूछोगे तो मेरा यही जवाब होगा कि मुझे नहीं पता। तू तो उसकी पार्टनर थी। तुझे कैसे नहीं पता? ये उसकी पार्टनर नहीं थी। ओए बल्ले बल्ले, प्यार दी रंग फर पड़ाई। तुझे इस पर यकीन हो ना हो, मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। ये झूठ नहीं बोलेगी। इतना यकीन है अपने प्यार पर? हाँ। जी चाहता है राम प्यारी के चेंबर के सारे गाने तुझे सुना दूं, तुझे भी अपने दोस्त के पास पहुंचा दूं। दोस्त? अरे हाँ, वही तेरा पठान दोस्त अली। साले को बहुत तड़पाया, तेरे बारे में बहुत पूछा, लेकिन पट्टे ने जवाब नहीं दिया। अरे सलाम है उसकी वफादारी को, असली पठान निकला। जान दे दी लेकिन मुंह नहीं खोला। और तू? तूने भी मुझे बहुत दौड़ाया, बहुत तड़पाया। तुम दोनों आशिकों की चिता मैं यही जला दूंगा। महाबलेश्वर पुलिस चौकी। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आग लग गई है। आग कहाँ? कुलकर्णी, तुम फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं स्पॉट पे जा रहा हूँ। साहब मैं भी आपके साथ में चलूँ? नहीं, तुम यहीं रहो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके ओके सर। मैं आपके क्या कर सकता हूँ? मर सकते हैं? ओए वही 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 आलू दे पराठे। ओए कितने दिन बाद खाने को मिला है? ओए थैंक यू इंस्पेक्टर। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल। ओ तुसी तो बड़े चुप है रोस्तम निकले, करोड़पति और बताया तक नहीं। ये ठीक बात नहीं है। अच्छा बताओ पैसे कहाँ हैं? अरे किस काम के ये करोड़ों रुपए? सारी जिंदगी तो तुम जेल में काटोगे और दीमक पैसे चढ़ जाएगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते, या तो आसाम की जेल में अपनी सारी जिंदगी काटो, या 5 करोड़ 6 लाख मुझे देकर बाहर आ जाओ। अरे 5 करोड़ तुम्हें बाहर निकालने के और 6 लाख शेखर सोनाली को मारने के। अरे मर गए भाई, मर गए। जो कह दिया सो कर दिया। और बोल। ठीक है, चल बाहर निकल।
जाओ पाजी। अब छेती से ए पढ़ लो। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना, पुलिस वाले सवाल जवाब बहुत करते हैं। पहनना है कि नहीं? ओ पहन ले पाजी, पहन ले छेती, पहन ले। गुड बॉय। ना, उधर नहीं, इधर। गाड़ी तुम चलाओ, क्योंकि जाना कहाँ है वो तुम जानते हो भाई। अभी तक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं भेजी कुलकर्णी ने? Pick it up. Hey, तुम लोग यहीं रुकना। जी साहब। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जी। तू अड्डे ले खुशखबरी है। मैंने तो अड्डी लैला को लुढ़का दिया। नहीं, ना ना प्राजी, कंट्रोल रखो, कंट्रोल। भाई वो तो बड़ी बेवफा थी, उसने तो मुझे ये भी बता दिया था कि तुम मुझे मारने वाले थे। अब रब्दा खेल देखो, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं। की है प्रताप जी, लोगों के लिए ये वीरान खंडर है, लेकिन मेरे लिए छुपने छुपाने की जगह। जगह? तुमने ही उजाड़ी होगी। हथकड़ी कब खोलोगे? जब मुझे 5,00,000,000-6,00,000 मिल जाएंगे। जब तक मैं नहीं चाहूं, तुम उन पैसों की झलक भी नहीं पा सकते। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, इस पूरी बस्ती में पैसा कहाँ छुपाया है सिर्फ मैं जानता हूँ। तो अगर तुम्हें पैसा चाहिए, यह हथकड़ी खोल दो। ओए, छेती छेती गांधी जी के दर्शन करा दो। है? कितना अरसा हो गया गांधी जी की पैरी पहना नहीं किए। आउट। रखो। ना ना ना, राम प्यारी को अपने से दूर कभी नहीं रख सकता। तो फिर ये बॉक्स भी नहीं खुलेगा। राम प्यारी के अंदर 8 गाने हैं, एक तुम्हें सुनाकर बाकी के 7 डब्बे खोलने में लगा देंगे। अब हमें कौन रोक सकता है भाई? ये बॉक्स। अच्छा, कैसे? इस बॉक्स का लॉक सिस्टम एक बम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर गलत नंबर ट्राई किया जाए तो बॉक्स फट जाएगा। बूम। अरे कमाल का बॉक्स है ये तो भाई। अब बोलो, क्या इरादा है? तुसी भी कमाल करते हो, तुम्हारी बात मानने के अलावा और क्या इरादा हो सकता है? Thank you.
तकलीफ हो रही है ना अंकल? दूर हो मुझसे। अंकल हो मेरे, तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? बचपन से जानती हूँ ना तुम्हें। मुझे मारना चाहते थे मुझे? सच पूछो अंकल, तो ये खेल मैं शुरू करने वाली थी, मगर पहल आपने कर दी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता नहीं था कि तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन आज पैसे भी सामने हैं और तुम भी। कुत्ते की मौत मारूंगी तुम्हें, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे। पैसों के लिए अगर इतने बड़े फ्रॉड में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ तो तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। किस कमाई को पुलिस के हवाले कर दे। पाप की नहीं, अकल की कमाई शेखर। दुनिया में जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग जिंदा हैं, मेरे जैसे अकलमंद ऐश करते रहेंगे। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा है स्वीटहार्ट, इस पैसे पे पुलिस का नहीं मेरा हक है। तुम्हारा? हाँ मेरा, और सिर्फ मेरा। एंड थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। मतलब वो सब सच था? बिल्कुल ठीक समझे तुम। ये प्लान हम दोनों ने मिलकर ही बनाया था, मगर अचानक प्रताप की नीयत खराब हो गई। उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं मुझे पता ही नहीं था, वरना उससे मारकर कब के यहाँ से निकल गई होती। फिर मुझे तुम मिले और मुझे लगा कि तुम मेरे काम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पटाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। पहली मुलाकात में आई लव यू तो नहीं कह सकती थी ना, इसीलिए थोड़े आंसू बहाए। तुम्हें 1,00,000 रुपया दिया, लेकिन किस्मत मेरे साथ थी। मदन तुम्हें वापस मेरे पास ले आया। कौन मदन? वही जिससे तुम हाईवे से उठाकर अस्पताल ले गए थे। उस दिन तुम्हारे आने से पहले वो मेरे पास आया था मुझे ब्लैकमेल करने। ये देखो, ये तुम ही हो ना? क्या चाहते हो? सिर्फ 25,00,000 रुपए। मगर ना, अब ये नहीं कहना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग 10,00,000 रुपया लेकर आए हो, और वो भी हार्ड कैश। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, मगर कब? आज रात 9 बजे मुझे हाईवे पे मिलो, 3rd milestone के पास। गुड। ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे तू? पैसे दे रही हूँ, हार्ड कैश। मदन को मारने के बाद मैं उसके पास पेपर कटिंग ढूंढने के लिए गई। उतने में एक गाड़ी के आने की आवाज आई। गाड़ी को इधर ही आता देखकर मैं वहां से निकल गई। तुम्हारी बदकिस्मती की वो गाड़ी तुम चला रहे थे। जब तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि मेरा जादू तुम पे चल गया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ये पैसे पाने के लिए। शेखर, I used you. इन पैसों के लिए? हाँ। पैसों को हाथ भी मत लगाना शेखर,
वरना दूसरी सांस लेने का मौका भी नहीं दूंगी। मुझे गोली मारोगी? गोली तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार देती अगर प्रताप के ऑफिस में पैसे मिल गए होते, मगर तुम्हारी किस्मत में कुछ सांसें और थी इसलिए पैसे वहां नहीं मिले। चलाओ गली, चलाओ। मर नहीं चाहते हो तो मरो मिस्टर शेखर कपूर। दे रही हो जो तुम इन रुपयों से है? नहीं, जो मुझे तुमसे है, सिर्फ तुमसे। मैं सच कह रही हूं, मेरा यकीन करो शेखर। तुम्हारा खेल खत्म। मैं सोनाली और रोशनी, ले जाओ इसे। शेखर, इन मुजरिमों को पकड़वाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आखिर तक नहीं समझ सका कौन मुजरिम है और कौन नहीं, लेकिन मैं पहले दिन ही समझ गया था कि तुम बेकसूर हो। तुम किसी को गोली नहीं मार सकते। यू आर फ्री, तुम जा सकते हो। थैंक यू। और हाँ, अपना इनाम लेना मत भूलना। कैसा इनाम? इन मुजरिमों को पकड़वाने पर सरकार की तरफ से मिलने वाला इनाम पूरे 10 लाख रुपए है। God bless. ऊपर वाले शुक्रिया, जो मांगा तूने वही दिया। अरे मान गया मैं, मान गया, सुनता है तू सबकी दुआ। बंदा दीवाना हुआ तेरा, बंदा दीवाना हुआ तेरा, तू यार है तू ही रब मेरा। ऊपर वाले शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया।